हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे झारखंड की फेमस रेसिपी डुस्का। सो लेट्स स्टार्ट। डुस्का बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप जाडा चावल, जो हम खिचड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, 1/2 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द दाल। सबको मिक्स करके अच्छी तरह धोकर 6 घंटे भिगोने के लिए रख देंगे। घंटे हो चुके हैं, अब हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। मिक्सर जार में ये दाल चावल, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च डालकर इसे थोड़ा जाड़ा पीस लेंगे। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। देखिए, ये बैटर कुछ इस तरह बनना चाहिए। इस बैटर को कम से कम 2 घंटे तक हम फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। अब हम सब्जी बना लेते हैं। मैंने 3 आलू साफ करके छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, 1 प्याज, 100 ग्राम मटर, 1 चम्मच जीरा, 3 टोमेटो की प्यूरी और बारीक कटा हुआ धनिया। अब सब्जी बनाने के लिए कुकर में 5 से 6 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। उसमें जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और 1/2 चम्मच हींग डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और प्याज डाल देंगे। प्याज गोल्डन हो जाए तब हम उसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। टोमेटो प्यूरी थोड़ा तेल छोड़ने लगे तब हम मसाला कर लेंगे। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा थोड़ा पक जाए फिर उसमें मटर और आलू डालकर मिक्स कर लेंगे। ऊपर से फिर से 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल देंगे। वैसे झारखंड में मटर के बदले काला चना भी यूज होता है। अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डालकर कुकर में 3 से 4 सीटी होने तक पका लेंगे। दो घंटे हो चुके हैं, अब ये बैटर अच्छा फर्मेंट हो चुका है। अब हम डुस्का के बैटर में 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए तो ही ये डुस्का फूगेंगे। आप चाहे तो थोड़ा बैटर डालकर चेक कर सकते हैं। अब हमें इसे कुछ इस तरह से बनाना है। गरम तेल में बैटर को चम्मच से एक ही जगह पर छोड़ना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। फिर उसे इस तरह पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। देखो, मैं एक डुस्का बना रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बना रही हूँ। इससे तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा,
यदि आप सब साथ में डाल देंगे तो वे अच्छी तरह फूगेंगे नहीं। हमारी आलू मटर की सब्जी भी तैयार हो गई है। अब हमारा ढूसका तैयार है, हम इसे आलू मटर की सब्जी के साथ सर्व करेंगे। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।